नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी अमेजिंग ड्रिंक शेयर करूंगी जिसके सेवन से सिर्फ 2 हफ्ते में आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल रिवर्स होने लगेगा। ये ड्रिंक आपकी आर्टरीज के अंदर जमे हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को क्लीन कर देगी। इसे बनाने से पहले हम जानेंगे आखिर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कब शुरू होता है। जब तक हमारी बॉडी की डेवलपमेंट की एज होती है, तब तक इस एज में हमारे द्वारा खाई गई सभी चीज़ों में शामिल कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन 20 से 22 की उम्र के बाद जब हमारी ग्रोथ होना रुक जाती है तो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा उन लोगों को ज्यादा होता है जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा इम्बेलेंस होती है, जो फास्ट फूड या बाहर की चीजें, ज्यादा वसायुक्त डेयरी प्रोडक्ट्स, डीप फ्राई या फिर नॉनवेज आदि का सेवन ज्यादा करते हैं। इसके साथ ही दिन भर बैठे रहने का काम होता है, शारीरिक श्रम या एक्सरसाइज जो लोग नहीं करते। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल शरीर में खून ले जाने वाली नसें यानी आर्टरीज में इकट्ठा होने लगता है और आर्टरीज की दीवारों पर क्लोट जमा करने लगता है, जिससे नसों पर प्रेशर पड़ने लगता है, नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण रक्त बहाव शरीर में सही तरह से नहीं हो पाता। हार्ट को बराबर मात्रा में ब्लड ना मिल पाने पर दिल का दौरा पड़ सकता है। हार्ट डिजीज के चलते हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा मौतें हो जाती हैं, जिसमें 22 साल से लेकर 70 साल तक के लोग शामिल होते हैं। इस ड्रिंक के इस्तेमाल से आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने का तरीका क्या है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 2 नींबू, 1 स्टिक दालचीनी, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 2 इंच के करीब अदरक और शहद। नींबू को आप छिलके समेत काट लीजिए। अदरक और लहसुन के भी छिलके हटाकर कट कर लीजिए। दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े कर लीजिए। एक पैन में करीबन 4 से 5 गिलास पानी आपको डाल लेना है। पानी में बॉयल आने पे सारे इंग्रेडिएंट्स इस पानी में डाल दीजिए। इसे आपने 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढककर पकने देना है। 10 मिनट के बाद इसे आपने 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख देना है। 1 घंटे बाद जब ये मिक्सचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसे आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपको इसे कांच के जार में छान लेना है। आपकी ये 1 हफ्ते की ड्रिंक बन के बिल्कुल रेडी है। इसे फ्रिज में स्टोर कर लें। अब बताती हूँ आपने इसे लेना कैसे है। इसे आप हल्का गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर लेने से 1 घंटा पहले फ्रिज से निकालकर नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप ड्रिंक लीजिए और आधा चम्मच शहद इसमें मिक्स कर लीजिए। इसे आपने नाश्ते से आधा घंटा पहले सुबह खाली पेट पी लेना है। 2 हफ्ते में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बताई गई ड्रिंक के साथ साथ कुछ सावधानियां भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे खूब सारा पानी पिए, रोजाना सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाएं। वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी करने से आर्टरीज में ब्लड फ्लो अच्छा बना रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। वसा युक्त खाना जैसे बटर, घी, फास्ट फूड, डीप फ्राइड फूड, नॉन वेज, मैदा, रिफाइंड, डालडा, एल्कोहल, स्मोकिंग, मिठाई जैसी चीज़ों को अवॉइड करें। प्रोटीन रिच वेजिटेरियन डाइट, सीजनेबल फ्रूट्स, स्प्राउट्स, जूस, हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा बिल्कुल नॉर्मल रहे, आपको फ्यूचर में हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी ना हो, तो शारीरिक श्रम या एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। जितना पॉसिबल हो घर का सात्विक भोजन ही आप करें और फिजिकली एक्टिव रहें। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ।